इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। ओके, ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। और अगले वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स टू वन पी एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी एन वन अपॉन टू एन माइन टू एन प्लस वन पी एन माइनस वन माइनस पी एन प्लस वन। ओके, दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। पहले पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वी नो दैट, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? वी नो दैट फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन थर्ड, फार्मूला ये होता है बेटा 2n प्लस वन टू एन प्लस वन इंटू पी एन एक्स इज इक्वल टू होता है पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन। ओके, इज इक्वल टू होता है पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन इंटू एक्स। ये तो फंक्शन ऑफ एक्स होता ही होता है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ टू एन प्लस वन इंटू पी एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश एन प्लस वन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी यू की तू रही, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेरे पास निकल करके आया वन, ये हुआ टू एन प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ पी एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आप ये डिफरेंशिएशन का निशान लगा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स। क्या लिखा जा सकता है इसको? डी ओवर डी एक्स। ओके, और यहाँ होगा पी डैश एन प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स माइनस इंटू डी एक्स होगा, सॉरी इंटू डी एक्स माइनस सिमिलरली डी ओवर डी एक्स पी एन माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, क्लियर? ये देखो आप यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, डी एक्स डी एक्स खत्म, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, डी एक्स खत्म, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, और ये मेरे पास फाइनली कितना बना, ये हुआ टू एन प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ पी एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी लगाना चाहते हो लगा दो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो इसको लिखा मैंने पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसके डिवाइडेशन में चला गया, ये हुआ वन अपॉन टू एन प्लस वन। ओके, और ये हुआ पी एन प्लस वन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स। ओके, प्लस अगर सी अपॉन टू एन प्लस वन भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसको बराबर मान लो आप टोटल के टोटल को, इसको ऐसे लिख लो, पहले वाला स्टेप ये तो जो का तू है डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ये हुआ टू एन प्लस वन। ओके, और यहाँ हुआ इंटीग्रेशन नहीं है बेटा, ये हुआ पी एन प्लस वन एक्स माइनस पी एन माइनस वन एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी वन ले लो। ओके, और सी वन की वैल्यू ले लो सी बटे टू एन प्लस वन। क्लियर? एक तो प्रूफ आपका निकल गया, ये देखो आपको यही प्रूफ करना था, ये देखो आप। ओके, पहले वाला रिजल्ट तो आ गया मेरा, ये बिल्कुल क्लियर आ गया प्रूफ। अब मैं चलता हूँ सेकंड प्रूफ की तरफ। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ, अगले वाला प्रूफ क्या करना है मेरे को, मेरे को प्रूफ करना है इंटीग्रेशन x से लेकर कहाँ तक, x टू वन इंटीग्रेशन ऑफ x टू वन, और ये है पी एन एक्स
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे को प्रूफ करना है भाई, 1/2 n + 1, 2 n + 1, और यहाँ मेरे को अबकी बार चाहिए कितना भाई, ये चाहिए है मेरे को p n - 1, p n - 1 x, और अगले वाला चाहिए माइनस p n + 1, p n + 1 x। ओके अब की बात ये मेरा क्वेश्चन है, तो चलते हैं उसी तरीके से भाई, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट फार्मूला क्या होता है भाई, कितना होता है फार्मूला, 2 n + 1, 2 n + 1 इंटू p n x। आप चाहो तो इसको छोटे में भी लिख लो, एक मिनट रुको, गड़बड़ कर रहा है। pn इज इक्वल टू जो होता है कितना होता है भाई, ये होता है p - n + 1, p - n + 1 माइनस p - n - 1। ओके p - n - 1। ओके नाउ मेरे को इंटीग्रेशन करना है 0 to 1। नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x to 1 मैंने इसको इंटीग्रेट किया, और ये हो गया मेरे पास 2 n + 1, और ये हो गया मेरे पास कितना, pn into dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p - n + 1 इंटू डी एक्स, और लिमिट मैंने डाली कितनी, x 1 तक कह रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x लेकर 1 तक कह रहा है, p - n - 1 x इंटू डी एक्स। ओके क्लियर है ना, तो ये तो मेरा बाहर आ गया भाई, ये 2 n + 1 तो मेरा बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1, और ये हो गया pnx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। देखो आप डिफरेंशिएशन है सेम उसी तरीके से जैसे पुराना क्वेश्चन निकला था, सेम निकल करके आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन का ख़त्म हो जाएगा, ये होगा pn + 1 माइनस pn - 1, और लिमिट आ जाएगी कितनी, x लेकर 1 तक। देखो आप इससे डिफरेंशिएशन ख़त्म, डैश से डिफरेंशिएशन ख़त्म, क्लियर है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगले वाले पेज की तरफ चलता हूँ भाई मैं यहाँ से। ओके तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड निकल करके आया है वो ये निकला हुआ है बेटा, एक बार फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड, 2 n + 1 लेफ्ट हैंड साइड है, 2 n + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x लेकर 1 तक pnx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू है, उस तरफ मेरा क्या बना हुआ है भाई, pn + 1 माइनस pn - 1, pn + 1 x माइनस pn - 1 x। ओके और लिमिट है x लेकर 1 तक। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो जो कि 2 है, 2 n + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x लेकर 1 तक pnx इंटू डी एक्स, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, बराबर मैंने अपर लिमिट डाली, उसके बाद लोअर लिमिट डालने की कोशिश करूँगा मैं। ओके जब x की जगह 1 डालूँगा ये निकल करके आएगा pn + 1 1 माइनस pn - 1 1। ओके फिर x की जगह x रखूँगा ये हो जाएगा pn + 1 x, और माइनस से ये हो जाएगा प्लस pn - 1 x। ओके आपका बन गया क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है pn + 1 1 इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है pn - 1 1, और ये वैल्यू होती है बराबर 1 के। ओके मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी जो की तू रही, ये होता है 2 n + 1 और इंटीग्रेशन ऑफ x लेकर 1 तक, ये pnx मेरा एज इट इज रहा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जरा इसको देखो ये कितना बना भाई, pn + 1 1। देखो आप pn + 1 pn - 1 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, पहले मैंने माइनस वाले को लिख लिया। ओके पहले मैंने इस प्लस वाले को लिख लिया, ये हो गया मेरे पास pn - 1 x माइनस pn + 1 x। ओके क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, x लेकर 1 तक pnx dx इज इक्वल टू 1/2 n + 1, तो इस तरफ आ गया। ओके और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरे पास, ये बचा एक तो बचा pn - 1 x माइनस pn + 1 x।
ओके यही बताना। देखो आप, और यही मेरे को प्रूफ करना था, दिस इज माई आंसर। देखो ये देखो आप, और पीछे चलते हैं, ये वाला पार्ट देखो आप, सेकेंड मैच हो गया, पी एन माइनस वन माइनस पी एन प्लस वन है ना, यहाँ से ये वाला स्टेप नोट करो। ये देखो आप, पी एन माइनस वन माइनस पी एन प्लस वन, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल देना, आई विल हेल्प यू। ओके।